वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, आई स्टडी ऑनलाइन में मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हम चर्चा कर रहे थे अपने मैकेनिक्स में अपना जो डायनेमिक्स का पार्ट है, गति विज्ञान का पार्ट है उसके ऊपर, और अपना टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स, शुद्ध गति की और शुद्ध बल गति के ऊपर अपन चर्चा कर रहे थे। लास्ट क्लास में अपन ने जो टेंजेंशियल वेलोसिटी और जो नॉर्मल वेलोसिटी है और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और नॉर्मल एक्सीलरेशन है उसके ऊपर अपन ने क्वेश्चंस करके देखे थे, ठीक है। आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और उसी टॉपिक को अपन कंटिन्यू रखेंगे और उसके ऊपर कुछ बचे हुए जो क्वेश्चंस और हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऊपर भी हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, उसके जस्ट आगे ही अपन क्वेश्चन ले रहे हैं। ए पार्टिकल इज मूविंग, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए पैराबोला, इन ए पैराबोला पी स्क्वायर बराबर ए आर, इन ए पैराबोला पी स्क्वायर बराबर ए आर विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, विद यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द फोकस, अबाउट द फोकस प्रूव दैट इट्स नॉर्मल एक्सीलरेशन, प्रूव दैट इट्स नॉर्मल एक्सीलरेशन, प्रूव दैट इट्स नॉर्मल एक्सीलरेशन एट एनी पॉइंट इज, एट एनी पॉइंट इज, एट एनी पॉइंट इज, एट एनी पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रोपोर्शनल टू द to the radius of curvature of its path, of its path at the point of radius of curvature of its path at that point, at That point. अब अपने जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, वो भी लिख लें। एक कण एक समान कोणीय वेग से परवलय पी स्क्वायर बराबर ए आर में उसकी नाभि के चारों ओर चलता है। ये क्या कह रहा है कि एक पैराबोला है, ठीक है, एक पैराबोला आपको दिया हुआ है, उस पैराबोला पे उस नाभि के चारों ओर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, चल रहा है, और उसका जो इसने कोणीय वेग दिया है वो कैसा दिया हुआ है, एक समान दिया हुआ, मतलब जो ओमेगा है अर्थात थीटा डॉट का मान है। कोणीय वेग क्या होता है, थीटा डॉट बराबर डी थीटा अपॉन डी टी, ये क्या होता है अपने पास कोणीय वेग होता है। इसको क्या दिया हुआ है, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट को आप क्या मान लो, ओमेगा मान लो, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, सिद्ध कीजिए कि किसी बिंदु पर अभिलंबित त्वरण, ठीक है, ये कह रहा है कि किसी बिंदु पर अभिलंबित त्वरण यानी कि नॉर्मल एक्सीलरेशन जो है, जो नॉर्मल एक्सीलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस ऑफ कर्वेचर के, यानी कि ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। अब आपको दिया क्या क्या है वो चीजें आप ध्यान से देखो। आपको एक पैराबोला दिया हुआ है, पैराबोला का इक्वेशन आपके पास पी स्क्वायर बराबर फोर ए, सॉरी पी स्क्वायर बराबर ए आर, ये आपको पैराबोला का। अब कई स्टूडेंट के दिमाग में ये चल रहा है कि सर ऐसा इक्वेशन तो हमने पैराबोला का कभी देखा ही नहीं। ये पैराबोला का जो वही चीज मैंने लास्ट क्लास में बताया था, कैलकुलस के डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको इक्वेशन का हर एक फॉर्मेट दिया हुआ रहता है कि किस फॉर्मेट में कौन सी इक्वेशन क्या होती है। जैसे ये इक्वेशन होती है आपकी पेडल इक्वेशन, इसको बोलते हैं, यानी कि वक्र का पदिक समीकरण इसको बोला जाता है, ठीक है, वक्र का इसको पदिक समीकरण बोला जाता है, ये चीज आप ध्यान रखना। और ध्यान रखना, पदिक समीकरण का मतलब होता है एक ऐसी समीकरण जो आपको पी और आर में रिलेशन देती है, ठीक है।
एक ऐसी इक्वेशन, कर्व की एक ऐसी इक्वेशन जो आपको पी और आर के अंदर रिलेशन बताती है, वो इक्वेशन आपकी क्या कहलाती है? पेडल इक्वेशन कहलाती है। ध्यान रखना, यहाँ आर बराबर होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर सभी स्टूडेंट को। और जो पी होता है वो एक प्रकार से डिस्टेंस को ही बताता है, ठीक है। तो पी बिलोंग्स टू वाई, ठीक है। इस प्रकार से तो आपका कुछ कुछ दिख रहा होगा, वाई स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स, इस प्रकार का आपका ये इक्वेशन होता है जो चेंज होके इसमें इस प्रकार से आता है। इसका एक पूरा डेरिवेशन होता है किस प्रकार से ये चेंज होती है, लेकिन डायरेक्ट ध्यान रखना पैराबोला की जो पदिक समीकरण होती है, जो पेडल इक्वेशन होती है, वो पी स्क्वायर बराबर ए आर होती है, जो आपको दी हुई भी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं और देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है। एक तो पेडल इक्वेशन दी हुई है आपको, आपको परवलय की पेडल इक्वेशन दी हुई है पी स्क्वायर बराबर ए आर, क्लियर सभी स्टूडेंट को। साथ ही आपको दिया हुआ है इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कैसी दी हुई है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है वो कैसी दी हुई है, कांस्टेंट दी हुई है, ठीक है। तो यहां से मैं क्या करता हूं, इसका डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, आर के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करता हूं, तो टू पी डी पी अपॉन डी आर बराबर ए, यहां से डी पी अपॉन डी आर बराबर मिलेगा आपको ए अपॉन टू पी, क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब ध्यान रखना कर्वेचर ऑफ रेडियस, वी नो दैट कर्वेचर ऑफ रेडियस ये होती है आपके पास, ध्यान रखना। कर्वेचर ऑफ रेडियस अपन क्या पढ़ रहे थे, रो बराबर डी एस अपॉन डी साई पढ़ रहे थे लास्ट क्लास तक। ये तो वो रिलेशन था जो एस और साई में था, ये तो कर्वेचर का वो फॉर्मूला था जो एस और साई में था। कर्वेचर का जो एस बराबर आर डी आर अपॉन डी पी, एक फॉर्मूला ये भी होता है जो आपको आर और पी में रिलेशन बताता है। यहां आपको कौन सी इक्वेशन चाहिए, यहां आपको ऐसी इक्वेशन चाहिए जो आर और पी में रिलेशन बताए, क्योंकि इसने आर और पी में ही अपने को इक्वेशन दी हुई है। इसलिए अपन कर्वेचर की जो भी इक्वेशन काम में लेंगे, यहां पर जो भी इक्वेशन हम जिसकी भी काम में लेंगे, वो आर और पी के अंदर ही काम में लेंगे। क्योंकि कई स्टूडेंट के दिमाग में ये चीज चल रही है कि सर ने पीछे वाली क्लास में तो एस और साइन में ले ली थी, यहां ये वाली काम में, ऐसा क्यों? क्योंकि इसने स्टार्टिंग में ही हमें हिंट दे दी थी p स्क्वायर बराबर ar बोल के। इसने इतना ही नहीं बोला कि आपके पास एक पैराबोला है, इसने पैराबोला की समीकरण भी हमें दिए, जो क्या दिए, p स्क्वायर बराबर ar दिए। इसका मतलब ये साफ-साफ कहना चाह रहा है कि आपको जो भी इसके अंदर इक्वेशन काम में लेनी है, वो ऐसी इक्वेशन लेनी है जो p और r के अंदर ही हो। तो भाई साहब मुझे पता है कर्वेचर रेडियस की इक्वेशन दो होती है, एक तो ये होती है एक ये होती है, तो कौन सी काम में लूंगा, ये ले नहीं सकता तो कौन सी लूंगा, यही लूंगा क्योंकि यही है r और p के अंदर। तो रो बराबर r dr अपॉन dp, तो यहां से dp अपॉन dr, तो ये रहा उल्टा कर दो तो dr अपॉन dp बराबर हो जाएगा 2p अपॉन a, 2p a अपॉन यहां रख दूंगा तो रो बराबर हो जाएगा 2p r अपॉन ए, ये रो का मान हो गया। इसको समीकरण नंबर आप कोई दे दिया क्या नाम, नहीं, इसको समीकरण नंबर आप एक नाम दे दो। आगे बढ़ते हैं, अब इसने एक चीज हमें और बोली है। अब इसने क्या बोला है कि इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कैसी है, यूनिफॉर्मली है। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान का मतलब कांस्टेंट, मतलब एंगुलर वेलोसिटी हमें कैसी दी हुई है, इसके अंदर कांस्टेंट दी हुई है, ये चीज आप ध्यान में रखना, क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो सिंस एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग जो होता है आपके पास थीटा डॉट बराबर, थीटा डॉट को आप क्या लिखते हो, डी थीटा अपॉन डी टी बराबर ओमेगा, और ये कैसा है, कांस्टेंट है, ये चीज आपको दी हुई है। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां किसकी बात हो रही है, यहां बात हो रही है आपकी एक तो एंगुलर वेलोसिटी की, ठीक है, और तो एक रिलेशन आपके पास होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप, रिलेशन बिटवीन
टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि स्पर्शरेखीय वेग और कोणीय वेग, इन दोनों में एक रिलेशन होता है जो होता है थीटा डॉट बराबर वीपी अपॉन आर स्क्वायर। थीटा डॉट को अपन ने क्या माना है, ओमेगा माना है, तो यहां से ओमेगा बराबर वीपी अपॉन आर स्क्वायर। यहां से वी का मान निकालोगे तो आपको वी बराबर मिलेगा ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन पी। ये आपके पास क्या आ गया सर, वी का मान आ गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये रिलेशन ध्यान में रखना आप, कोणीय वेग और स्पर्श रेखीय वेग में ये रिलेशन होता है थीटा डॉट बराबर वीपी अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर सभी स्टूडेंट को, यहां तक समझ में आया। अब ये बात करा आगे नॉर्मल एक्सीलरेशन की, हमें क्या फाइंड करना है नॉर्मल एक्सीलरेशन। तो नॉर्मल एक्सीलरेशन यानी कि अभिलंबिक त्वरण बराबर ये होता है सर वी स्क्वायर अपॉन रो। ठीक है, ये क्या होता है वी स्क्वायर अपॉन रो होता है। इधर से मिटा दूं, ठीक है, ये तो सारा अपन लेके चलते थे, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा देते हैं, ये चीजें चाहिएगी हमें, जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसको मिटा देता हूं ऊपर से। अब देखो, सिंस नॉर्मल एक्सीलरेशन यानी कि अभिलंबिक त्वरण बराबर वी स्क्वायर अपॉन रो, तो वी का मान तो ये रहा, ठीक है, और रो का मान ये रहा, दोनों यहां पुट कर देता हूं, तो इसका स्क्वायर करके पुट करना है। ठीक है, ये रहा वी का मान, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर का मतलब ओमेगा स्क्वायर आर की पावर फोर अपॉन पी स्क्वायर फिर अपॉन, ये तो v का स्क्वायर का मान हो गया, रो का मान ये रहा 2πr अपॉन a। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब यहां से आगे देखना, जो टर्म कैंसिल होती है मैं उसको कैंसिल करता हूं, बराबर ये ऊपर चला जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर r की पावर 4a अपॉन 2p क्यूब, 2 तो ऐसा का ऐसा, पी स्क्वायर इंटू पी पी क्यूब और आर ऐसा का ऐसा, आर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहां से बचेगा ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब ए अपॉन 2 पी क्यूब। क्लियर सभी स्टूडेंट को, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसको मिटा देते हैं, नॉर्मल एक्सीलरेशन मैं दोनों तरफ रो से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, रो से डिवाइड करता हूं, तो रो का मान वापस ये रख देता हूं मैं 2πr अपॉन a, 2πr अपॉन a, a ऊपर जाके क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर, ये 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, ये p क्यूब इंटू p की पावर 4 और एक r वापस कैंसिल हो जाएगा, तो ये r स्क्वायर। क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब एक चीज देखो, सिंस p स्क्वायर बराबर क्या है ar, ये दिया हुआ, ठीक है, यहां से इसका स्क्वायर करोगे तो पी की पावर 4 बराबर ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तो आप इस ए स्क्वायर आर स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकते हो, पी की पावर 4 पुट कर सकते हो, तो कर देते हैं इसको भी। तो नॉर्मल एक्सीलरेशन अपॉन रो बराबर ओमेगा स्क्वायर पी की पावर 4 अपॉन 4 पी की पावर 4, ये कैंसिल, तो आपके पास बचा नॉर्मल एक्सीलरेशन अपॉन रो बराबर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4, ये रो उधर चला जाएगा, तो ये आ गया, ये क्या है कांस्टेंट है, तो आप इस कांस्टेंट को हटाकर क्या लिख सकते हो, नॉर्मल एक्सीलरेशन डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल टू रो, यही क्या करना था आपको, सिद्ध करना था, यानी कि अभिलंबिक त्वरण किसके समानुपाती आ गया, रो के समानुपाती आ गया। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए बोल देता हूं कि अब ये नॉर्मल एक्सीलरेशन चल रहा है तो काफी टाइम से चल रहा है, तो इसका मतलब अभिलंबिक त्वरण होता है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है ये ना बोला करें कि सर हिंदी में लिखो, तो इतना आपको पता होनी चाहिए, इतनी टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, ये छोटे छोटे नाम अगर अब से आपने आदत नहीं डाली सीखने की तो आगे आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, अगर आप अपना फ्यूचर जो है वो पीसीएम के अंदर देख रहे हो।
ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अगर आप अपना भविष्य देख रहे हो, तलाश रहे हो, तो थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी को इंग्लिश में यूज करना सीखो, क्योंकि आगे जब आप बीएससी कंप्लीट कर लोगे उसके आगे कोई भी चीज़ आपके हिंदी में नहीं चलती। ठीक है, जैसे एमएससी करना चाहो तो ये हिंदी में नहीं होती कभी भी, ठीक है, पूरी की पूरी इंग्लिश में होती है। तो थोड़ी बहुत, इतनी नहीं है, थोड़ी बहुत आपको पता होना चाहिए। जैसे नॉर्मल एसिलेशन का मतलब अभिलंबित त्वरण होता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी ये रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ये कोई इंग्लिश नहीं है, इसको इंग्लिश मत देखा करो कि चार शब्द आपके इंग्लिश में लिख दिए तो उसको इंग्लिश मत माना करो कि इंग्लिश में चल रही है क्लास, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, यही आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया था। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है उन क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो, उसके बाद सॉल्व करो। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए कर्व इज डिस्क्राइब्स बाय ए पार्टिकल हैविंग ए कॉन्स्टेंट एसिलरेशन, हैविंग ए कॉन्स्टेंट एसिलरेशन डायरेक्शन ऑफ एसिलरेशन इज इंक्लाइंड एट ए कॉन्स्टेंट एंगल टू द टेंजेंट, ए कॉन्स्टेंट एंगल टू द एंगल टू द टेंजेंट शो दैट द कर्व इज एन इक्वी एंगुलर स्पाइरल। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन को एक बार ध्यान से दोबारा सुनना, हिंदी मीडियम वाले लिख लो। एक कण एक वक्र में अचर त्वरण से चलता है। ये क्या कह रहा है कि एक कण है वो किसी कर्व में क्या कर रहा है, किसी वक्र में क्या कर रहा है, कॉन्स्टेंट एसिलरेशन से चल रहा है तथा त्वरण की दिशा स्पर्श रेखा के साथ अचर कोण बनाती है। ये क्या कह रहा है कि जो एसिलरेशन की जो डायरेक्शन है ना वो आपकी स्पर्श रेखा के साथ कॉन्स्टेंट कोण बनाती है। सिद्ध कीजिए कि वक्र का समीकरण एक समान कोणिक सर्पिल है, ठीक है, मतलब इक्वी एंगुलर स्पाइरल है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन का प्रूफ करते हैं। ठीक है, पहले ध्यान से देखो, एक चीज ध्यान रखना आप सभी को, अगर कोई भी मतलब रिजल्टेंट एसिलरेशन जो है, रिजल्टेंट एसिलरेशन मतलब परिणामी त्वरण, ठीक है, ये परिणामी त्वरण यदि स्पर्श रेखा के साथ, स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट के साथ, ठीक है, स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट के साथ अल्फा एंगल बनाए, अल्फा एंगल यानी कि अल्फा कोण बनाए, तब ध्यान रखना ये रिलेशन होता है टेन अल्फा बराबर अभिलंबित त्वरण यानी कि नॉर्मल एसिलरेशन बटा स्पर्श रेखीय त्वरण यानी कि टेंजेंशियल
एसिलेशन। ये आपको रिजल्ट ध्यान में रखना है। इसने अगर आपका जो ये रिजल्टेंट एसिलेशन, ये जो डायरेक्शन ऑफ एसिलेशन, डायरेक्शन ऑफ एसिलेशन, ये कौन सा एसिलेशन है ये ध्यान रखना, ये वो रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट का मतलब जो आपका पार्टिकल पी है। देखो अभी मैं बता देता हूँ रिजल्टेंट कौन सा आएगा, ठीक है, बस आप तो ये रिजल्ट ध्यान में रखना, ठीक है। ये शायद मैंने बताया नहीं था आपको, ठीक है, लेकिन जब अपन रिलेशन निकाल, जो अपन ने इससे पहले जो क्लास क्वेश्चन की हुई थी, उससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें शायद बताया था या नहीं बताया था, मुझे याद नहीं है, नहीं बताया तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। ये आपके पास रिलेशन होता है, तो देखना ये क्या बोल रहा है उसको देखते हैं अपन। ये कह रहा है कि ये आपके पास कोई प्लेन है, ठीक है, ये एक्स वाई कोई प्लेन दिया हुआ है, इस प्लेन में ये कोई कर्व है आपके पास, ठीक है, इस कर्व पे यहां से कोई पार्टिकल चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। मान लेता हूं किसी समय ये यहां इस बिंदु पी पर पहुंच जाता है, ठीक है, किसी समय इस बिंदु पी पर पहुंच जाता है, तो ध्यान रखना यहां से जो एक टेंजेंट ले लेता हूं, मतलब स्पर्श रेखा ले लेता हूं इसके ऊपर से, स्पर्श रेखा कहां से जाएगी, इस प्रकार जाएगी, देखो ये मैंने स्पर्श रेखा ले ली, टेंजेंट ले ली, तो ये टेंजेंट के साथ मैं मान लेता हूँ साई एंगल बना रहा है, ठीक है, ये जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, साई एंगल बना रही है, मतलब मैं इस पी के जो कोऑर्डिनेट है वो ले लेता हूँ एस साई, कहने का मतलब है ये वाले जो कर्व है वो कितना है, एस है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, पी एस साई हो गए। यहां से देखना ये तो डायरेक्शन हो गई किसकी, टेंजेंट डायरेक्शन, और इसके परपेंडिकुलर होगी वो कौन सी होगी, नॉर्मल होगी, ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में जो एसिलरेशन होगा वो तो कौन सा होगा, नॉर्मल एसिलरेशन होगा, और इस डायरेक्शन में जो होगा वो कौन सा होगा, टेंजेंशियल एसिलरेशन होगा, यानी कि टेंजेंशियल एसिलरेशन यानी कि स्पर्श रेखीय त्वरण होगा, क्लियर सभी स्टूडेंट को, और इधर कौन सा होगा, अभिलंबित त्वरण होगा, क्लियर सभी, दोनों का रिजल्टेंट अपन इस डायरेक्शन में मानते हैं, इन दोनों का जो रिजल्टेंट एसिलरेशन होता है वो अपन इस डायरेक्शन में मानते हैं। मैं मां इसने क्या बोला है, जो रिजल्ट है, ठीक है, जो परिणामी त्वरण है, ठीक है, जो एसिलरेशन है वो इस स्पर्श रेखा के साथ कितना कोण बना रहा है, कॉन्स्टेंट एंगल बना रहा है, ठीक है, स्पर्श रेखा के साथ कितना कोण बना रहा है, कॉन्स्टेंट एंगल, यानी कि कॉन्स्टेंट है वो कोण, मैं मान लेता हूं वो कोण कितना है, अल्फा है, ठीक है, वो कोण कितना है, अल्फा है, क्लियर सभी स्टूडेंट को। इसको मैं अगर पी नाम दू, ये पॉइंट तो पी दिया हुआ है, ये आर ले लो, ठीक है, ये R ले लो, इसको T नाम दे दो, ठीक है, तो ध्यान रखना ये लाइन चाहो तो लिख सकते हो आप, सिंस माना माना स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट के साथ त्वरण यानी कि एसिलरेशन द्वारा बनाया गया एंगल कॉन्स्टेंट, और वो कॉन्स्टेंट क्या मान रहा हूँ, अल्फा है, तब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, वही चीज़ जो अभी लिखा था, हम जानते हैं टेन अल्फा बराबर अभिलंबिक त्वरण बटे स्पर्श रेखीय त्वरण यानी कि नॉर्मल एसिलरेशन अपॉन टेंजेंशियल एसिलरेशन। क्लियर कहानी सभी स्टूडेंट को, तो टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, टेन अल्फा बराबर हो जाएगा अभिलंबिक त्वरण क्या होता है अपने पास, ठीक है, अभिलंबिक त्वरण होता है अपने पास, ये तो अपने पास डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर, और ये होता है अपने पास वी स्क्वायर अपॉन रो, और ये होता है अपने पास डी टू एस अपॉन या डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, इसको आप वी डी वी अपॉन डी एस भी लिख सकते हो, तो वी स्क्वायर अपॉन रो अपॉन वी डी वी अपॉन डी एस। क्लियर कहानी सभी स्टूडेंट को, यहां से इसको उधर ले जाओ, तो देखना वी से देखो ये एक वी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, V से एक V कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आएगा, या पूरे को ही उधर ले जाओ आप, तो V dV अपॉन dS
टेन अल्फा बराबर वी स्क्वायर अपॉन रो, मैं क्या किया ये नीचे वाला पूरा इधर ले आया, ठीक है, तो वी डीवी अपॉन डीएस टेन अल्फा, ठीक है। अब यहां से वी से एक वी उड़ा दो तो आपके, और टेन अल्फा को उधर भेज दो, तो डीवी अपॉन डीएस बराबर वी अपॉन रो टेन अल्फा, वन अपॉन टेन अल्फा बराबर क्या होता है कोट अल्फा, तो डीवी अपॉन डीएस बराबर वी अपॉन रो कोट अल्फा। इसको मैं कोई समीकरण नंबर एक नाम दे देता हूं, क्लियर सभी स्टूडेंट को। एक बार दोबारा आप ये चीज समझना, ये चीज समझने लायक तो इसमें शायद कुछ रहा ही नहीं, मैंने जो चीजें थी वो बता दिया, ये रिलेशन सभी को ध्यान है, उसके बाद मैंने फॉर्मूला ही रखा है, ठीक है, ये रिलेशन डायरेक्ट याद रखना, ठीक है, ये बता दिया मैंने, ये वाला जो होगा वो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन होगा, मतलब जिस एक्सीलरेशन को ये कांस्टेंट बता रहा है वो ये वाला एक्सीलरेशन है, ये इस स्पर्श रेखा के साथ ये अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है, मतलब एक तो इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है, एक इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है, दोनों का रिजल्टेंट यानी कि दोनों का परिणामी किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ऐसा अपन भौतिक विज्ञान में यानी कि फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो ये चीज डायरेक्ट आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं अपन, ये आ गया अपने पास डीवी अपॉन डीएस का मान, क्लियर सभी स्टूडेंट को, डीएस अपॉन डीवी का मान आ गया। अब मैं दोबारा इस पी पे एक्सीलरेशन की बात कर रहा हूं, जो क्या दिया है मुझे, हैविंग ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इस पी पे मुझे क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है, मतलब एक्सीलरेशन एट इस पॉइंट पे मुझे एक्सीलरेशन क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है, और इस पॉइंट पे एक्सीलरेशन कितना होगा, दो एक्सीलरेशन होते हैं, एक तो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगा डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर, इस डायरेक्शन में होता है वी स्क्वायर अपॉन रो, ठीक है, दोनों का रिजल्टेंट ही क्या होगा, पी पर एक्सीलरेशन, जो क्या होता है अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्लियर सभी स्टूडेंट को, अर्थात अगेन एक्सीलरेशन एट पॉइंट पी इज कांस्टेंट, मतलब बिंदु पी पर जो आपका त्वरण है वो कैसा है, कांस्टेंट है, अर्थात आप क्या कहोगे सर, अंडर रूट डी टू एस अपॉन, ये डी टू एक्स लिख दो या एस, जो भी एस लिया है ना अपने चाप, तो एक्स एस लिख दो, डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन रो का होल स्क्वायर बराबर सी, यानी कि कांस्टेंट, ठीक है, बराबर क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया, क्लियर सभी स्टूडेंट को। अब आगे बढ़ते हैं अपन, ये बराबर सी आपको कांस्टेंट दिया हुआ है, आगे देखना, इसको मिटा देते हैं, अब इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, तो इसको मिटा देते हैं, आगे चलते हैं, अब देखो, और इसको आप क्या लिख सकते हो, वी डीवी अपॉन डीएस भी लिख सकते हो, इसको वी डीवी अपॉन डीएस भी लिख सकते हो, यानी कि अंडर रूट वी डीवी अपॉन डीएस का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन रो का होल स्क्वायर बराबर सी, क्लियर सभी स्टूडेंट को, यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहां से देखना वी डीवी अपॉन डीएस का मान वी स्क्वायर, यहां से देखो वापस ये रहा वी डीवी अपॉन डीएस, उधर जाएगा टेन अल्फा, तो ये वी स्क्वायर अपॉन रो रहेगा, तो ये मान हो जाएगा आपके पास दोस्तों अंडर रूट वी डीवी अपॉन डीएस का मान ये रहा, ठीक है, टेन अल्फा को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन रो कोट अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन रो का होल स्क्वायर बराबर सी। यहां से देखो वी स्क्वायर अपॉन रो, वी स्क्वायर अपॉन रो ये कॉमन आके बाहर आएगा, ठीक है, और ऑलरेडी इसके ऊपर स्क्वायर है तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर आएगा वी स्क्वायर अपॉन रो, अंडर रूट यहां बचेगा कोट स्क्वायर अल्फा प्लस वन बराबर सी, ठीक है। यहां से देखो वन प्लस कोट स्क्वायर अल्फा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर अल्फा, तो वी स्क्वायर अपॉन रो अंडर रूट कोसेक स्क्वायर अल्फा बराबर सी, यहां से अंडर रूट हट जाएगा तो ये बचेगा वी स्क्वायर अपॉन रो कोसेक अल्फा बराबर सी, तो यहां से वी स्क्वायर अपॉन रो बराबर सी, सी अपॉन कोसेक अल्फा, वन अपॉन कोस अल्फा, क्या कोसेक अल्फा क्या होता है सर, साइन अल्फा होता है,
क्लियर सभी स्टूडेंट को। आगे बढ़ते हैं, अब इधर वाले की जरूरत हमें एक बार दोबारा पड़ेगी, ठीक है। तो इधर इसकी जरूरत पड़ेगी, बाकी मिटा देते हैं। अब चलते हैं, अब देखो v स्क्वायर अपॉन रो बराबर c साइन अल्फा, ठीक है। तो v स्क्वायर बराबर c रो साइन अल्फा। अब रो बराबर क्या होता है, ds अपॉन d साइन होता है, वैल्यू रख देते हैं यहां। तो v स्क्वायर बराबर c ds अपॉन d साइन अल्फा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। यहां से मैंने क्या किया, वापस इस रो का मान रख दिया। यहां से आप क्या करोगे, यहां से देखो आगे मैं क्या करता हूं, यहां से इसका इंटीग्रेशन करता हूं सारी टर्म्स को इधर उधर करके, ठीक है। सारी टर्म्स को मैं क्या करूंगा, इधर उधर करूंगा। और इसका देखना एक बार, इंटीग्रेशन बाद में होगा, पहले अपन इसको यहीं छोड़ देते हैं, इस समीकरण को यहीं छोड़ देते हैं। दोबारा मैं इस इक्वेशन पे जाता हूं, मेरी ये वाली इक्वेशन पे जाता हूं, बाई इक्वेशन फर्स्ट डीवी अपॉन डीएस बराबर वी अपॉन रो कोट अल्फा। रो बराबर वैल्यू रख दो, तो डीवी अपॉन डीएस बराबर वी, रो की वैल्यू क्या होती है, डीएस अपॉन डी साइन। तो ये डीएस और ये डी साइन ऊपर चला जाएगा, और कोट अल्फा डी साइन से डी साइन हट जाएगा, तो बचेगा डीवी बराबर वी कोट अल्फा डी साइन। क्लियर सभी स्टूडेंट को। आगे देखना, यहां से वी नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब करो इसका इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा लॉग वी बराबर, ये हो जाएगा साई कोट अल्फा प्लस लोग, एक सी तो मैंने पहले से ले रखा है, तो इसको दे दो सी वन नाम, ठीक है। ये लोग सी वन इधर आएगा, तो लोग वी माइनस लोग सी वन बराबर साई कोट अल्फा। तो यहां से हो जाएगा लोग वी अपॉन सी वन बराबर साई कोट अल्फा। तो यहां से आपको लोग को उधर भेज दो, तो v अपॉन c1 बराबर e की पावर साई कोट अल्फा। तो v बराबर c1 e की पावर साई कोट अल्फा। ये v का मान आ गया, यहां से स्क्वायर करके वहां अपन रख सकते हैं, ठीक है। यहां से इसका स्क्वायर करके अपन वहां वैल्यू रख देते हैं। तो देखना, अब यहां v स्क्वायर का मान रख के अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपन, ठीक है। तो v स्क्वायर का मान इस यहां से स्क्वायर करो इसका, ये स्क्वायर तो ये स्क्वायर, यानी कि v स्क्वायर बराबर c, v स्क्वायर का मान रख देते हैं डायरेक्ट, मान है आपके पास c1 स्क्वायर e की पावर 2 साई कोट अल्फा बराबर c1 ds अपॉन d साई साइन अल्फा, ठीक है। साई को इधर ले लो, ठीक है। तो देखो ये c है, साई को इधर ले लो, तो c1 स्क्वायर e की पावर 2 साई कोट अल्फा d साई बराबर c साइन अल्फा ds। अब करो इसका इंटीग्रेशन पूरे का दोबारा, ठीक है। अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन, तो देखना c1 स्क्वायर ऐसा का ऐसा e की पावर 2 साई कोट अल्फा, और इसका जो साई का जो कोफिशियंट है वो नीचे डिवाइड में चला जाएगा, 2 कोट अल्फा बराबर c साइन अल्फा s प्लस c2। क्लियर सभी स्टूडेंट को, यहां तक समझ में आया होगा। या एक काम करते हैं अपन, ये c साइन अल्फा को पहले ही नीचे ले लेते हैं, तो c साइन अल्फा। क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो s प्लस क्या मिल गया अपने को, c2 मिल गया। आगे देखना, बराबर यहां से मैं इसको लिख सकता हूं, कोट अल्फा को मैं लिख सकता हूं कोस अल्फा बटा साइन अल्फा, तो साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल। तो ये 2c भी एक नया, ये पूरा का पूरा एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा, सॉरी यहां से आपके पास जो बचेगा वो देखना,
ई की पावर टू साई कोट अल्फा बटे ये सी वन स्क्वायर ये सी टू सी कोस अल्फा बराबर एस प्लस सी टू। अब जो कॉन्स्टेंट है उसको नया नाम दे देता हूँ, ठीक है, जो कॉन्स्टेंट है आपके पास उन कॉन्स्टेंट को मैं नया नाम दे देता हूँ। क्लियर सभी स्टूडेंट को, जो भी कॉन्स्टेंट है अपने पास उनको मैं नया नाम दे देता हूँ। तो देखना ये जो इतना इतना कॉन्स्टेंट है इसको तो मैं कोई ए नाम दे देता हूँ, ठीक है, और जो टू कोट अल्फा है इसको मैं कोई नया नाम दे देता हूँ। तो देखना इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, तो ए ई की पावर इस टू कोट अल्फा को मैं बी दे देता हूँ, तो ई की पावर बी साई बराबर एस प्लस सी टू। यही क्या है आपका इक्वी एंगुलर स्पाइरल है, ठीक है, और यही आपको सिद्ध करना था वेयर ए बराबर तो है सी वन स्क्वायर अपॉन टू सी कोस अल्फा एंड बी बराबर है आपके पास टू कोट अल्फा। यही समीकरण क्या करनी थी आपको सिद्ध करनी थी। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में भी पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। तो देखना अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है ए पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन कर्व इन सच ए मैनर दैट इट्स टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एसिलेशन आर ऑलवेज इक्वल एंड इट्स वेलोसिटी वेरियज एज e की पावर 10 इनवर्स s अपॉन c बीइंग द लेंथ ऑफ द आर्क the curve measured from the fixed point on the curve show that its path is केटनरी। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बार क्वेश्चन दोबारा हिंदी मीडियम वाले लिख ले। एक कण एक समतल वक्र में इस प्रकार चलता है कि इसके स्पर्श रेखीय वेग तथा अभिलंबित त्वरण सदैव समान रहते हैं। ये क्या कह रहा है, ठीक है, साथ साथ में इसको प्रूव भी करते जाते हैं। ये क्या कह रहा है, इसने सबसे पहले कहा कि एक पार्टिकल एक प्लेन कर्व में एक समतल वक्र में इस प्रकार से चल रहा है कि इसका जो टेंजेंशियल एसिलेशन और टेंजेंशियल दोनों एसिलेशन इसके क्या रहते हैं, समान रहते हैं। मतलब टेंजेंशियल एसिलेशन और गिवन दैट हमें दिया हुआ है सर जो टेंजेंशियल एसिलेशन वो बराबर है नॉर्मल एसिलेशन के, अर्थात आपका स्पर्श रेखीय
त्वरण जो है वो बराबर है अभिलाम्बिक त्वरण की। ठीक है, तो आपका स्पर्श रेखीय त्वरण में क्या लिखता हूं, v dv अपॉन ds बराबर ये लिखता हूं मैं v स्क्वायर अपॉन रो। यहां तक की कहानी हो गई। ठीक है, ये v से v कैंसिल, तो dv अपॉन ds बराबर v अपॉन रो। आगे चलो, पहली चीज तो यही कहा है कि एक कण आपका जो है, एक पार्टिकल जो है वो एक प्लेन कर्व में इस प्रकार चलता है कि इसका स्पर्श रेखीय वेग और इसका स्पर्श रेखीय त्वरण, ठीक है, यानी कि टेंजेंशियल एसिलरेशन और नॉर्मल एसिलरेशन क्या रहते हैं, हमेशा समान रहते हैं। और इसकी जो वेलोसिटी है वो इसके डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल, मतलब इसके समानुपाती रहती है। तो आपको सिद्ध करना है कि इसका जो पाथ है वो कैसा है, केटनरी, केटनरी का समीकरण होता है s बराबर c tan साइन, ये आपका केटनरी का समीकरण है, मतलब मुझे ये लेकर आना है। ठीक है, s बराबर क्या लेकर आना है, c tan साइन, s बराबर c tan साइन, ये मुझे लेकर आना है। क्लियर सभी स्टूडेंट को, आगे बढ़ते हैं तो देखना, साथ ही मुझे एंड और मुझे क्या दिया हुआ है, एक तो ये चीज दी हुई लिख दी, एक ये दिया हुआ है कि जो वेलोसिटी है वो डायरेक्शनली प्रोपोर्शनल है e की पावर टेन इनवर्स s अपॉन c। तो यहाँ v बराबर आपको कॉन्स्टेंट म्यू e की पावर टेन इनवर्स s अपॉन c लिख दो, ठीक है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, कॉन्स्टेंट लगा दिया। ठीक है, यहाँ जो म्यू है वो क्या है, समानुपाती नियतांक है। ठीक है, तो आगे देखना, अब मैं वापस इस इक्वेशन को लेता हूं, तो dv अपॉन ds बराबर v अपॉन रो। क्लियर सभी स्टूडेंट को, तो रो का मान होता है ds अपॉन d साइन, तो ये ds और ये d साइन, ds से ds हटा दो, तो dv बराबर v d साइन। क्लियर सभी स्टूडेंट को, v नीचे ले आओ तो dv अपॉन v बराबर साइन, तो यहां से इंटीग्रेशन करोगे तो log v बराबर, log v बराबर ये d साइन, तो log v बराबर साई प्लस log c1 नाम दे दो इसको, log c1, यहां से log c1 को उधर ले जाओ, तो log v माइनस log c1 बराबर साई, तो यहां से log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b, तो log v अपॉन c1 बराबर साई, तो v अपॉन c1 बराबर क्या हो जाएगा, e की पावर साइन, तो v बराबर क्या हो जाएगा, c1 e की पावर साइन। ये v का मान हमें मिल गया, ये v का मान मैं मेरी यहां पुट कर देता हूं और दोबारा इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं, तो देखना c1 e की पावर साइन यहां पुट कर देते हैं अपन, इसको मिटाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन छोटा सा है, ये कंप्लीट भी हो गया। ठीक है, ये v का मान वापस में रख देता हूं, जो इक्वेशन मुझे दी हुई है उसमें, तो देखना ये क्वेश्चन छोटा सा था, इजी था, ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं था, तो देखना यहां से ये v का मान यहां रखोगे तो c1 e की पावर साई बराबर म्यू e की पावर टेन इनवर्स एस अपॉन सी। अब देखना स्टार्टिंग की बात करता हूं, स्टार्टिंग में जब एस बराबर जीरो होता है तो मुझे बताओ साई बराबर भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि एस जब जीरो है तो कोई एंगल ही नहीं होगा, तो यहां से मुझे ये सीवन क्या मिलेगा। ठीक है, ये सीवन का मान निकालता हूं, तो देखो एस जीरो यानी कि ये जीरो, साई जीरो मतलब ये e की पावर जीरो मतलब वन, तो e की पावर जीरो, तो सीवन बराबर मुझे मिलेगा यहां से म्यू। ठीक है, तो ये म्यू यहां रख दो, तो म्यू e की पावर साई बराबर म्यू e की पावर टेन इनवर्स s अपॉन c, म्यू से म्यू उड़ा दो, तो e की पावर साई बराबर e की पावर टेन इनवर्स s अपॉन c, दोनों का बेस क्या है, समान है, तो यहां से साई बराबर टेन इनवर्स s अपॉन c, तो यहां से टेन इनवर्स को उधर भेजोगे तो आपको मिलेगा टेन साई बराबर s अपॉन c, तो यहां से आपको s बराबर मिलेगा c tan sin। यही क्या था, आपका केटनरी का इक्वेशन होता है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आपका और कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर का अपन अंतिम क्वेश्चन और लेते हैं, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पे भी अपन डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका,
अगला क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज डिस्क्राइब, ए पार्टिकल इज डिस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस, ए इन सच ए वे दैट द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, इज ऑलवेज म्यू टाइम्स द नॉर्मल एक्सीलरेशन, म्यू टाइम्स द नॉर्मल एक्सीलरेशन इफ इट्स स्पीड एट ए सर्टेन पॉइंट, एट ए सर्टेन पॉइंट इज यू प्रूव दैट इट विल रिटर्न टू द सेम पॉइंट आफ्टर ए टाइम a upon mu u 1 minus e की पावर minus 2 pi mu. ये क्वेश्चन कह रहा है, इसको ध्यान से एक बार हिंदी मीडियम वाले भी लिख लो, ए त्रिज्या के वृत्त में एक कण इस प्रकार से गतिमान है, एक ए त्रिज्या का आपको वृत्त दिया हुआ है, ध्यान से सुनो ये क्या कह रहा है, एक ए त्रिज्या का मतलब ए रेडियस का एक सर्किल आपको दिया हुआ है, ये इसकी रेडियस हो गई ए, ठीक है दिया हुआ है, आगे क्या कह रहा है, ए रेडियस का सर्किल है, इसमें एक कण इस प्रकार से गतिमान करता है कि इसका स्पर्श रेखीय त्वरण उसके अभिलंबित त्वरण का म्यू गुणा रहता है, यानी कि ये क्या कह रहा है कि भाई साहब जो स्पर्श रेखीय त्वरण जो है ना वो आपके अभिलंबित त्वरण का म्यू गुणा है, अभिलंबित त्वरण का क्या है, म्यू गुणा है, यानी कि आपका जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है वो म्यू इंटू नॉर्मल एक्सीलरेशन है, ऐसा ये कह रहा है, मतलब इस सर्किल में, इस ए रेडियस के सर्किल में, ये ए रेडियस का सर्किल है, इस ए रेडियस के सर्किल में एक पार्टिकल इस प्रकार से चलता है कि इसका जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है वो नॉर्मल एक्सीलरेशन का क्या रहता है, म्यू टाइम्स रहता है, यानी कि म्यू गुणा रहता है, आगे क्या कह रहा है, यदि किसी बिंदु पर उसकी चाल यू हो तो सिद्ध कीजिए कि वह उस बिंदु पर ए अपॉन म्यू यू, मतलब ये बोल रहा है कि अगर किसी बिंदु पर इसकी चाल ठीक है कितनी है यू हो तो सिद्ध कीजिए कि ये जो पार्टिकल है, मैं मान लेता हूं यहां से चलना प्रारंभ करता है ठीक है, कुछ समय बाद में मान लेता हूं ये पार्टिकल यहां पहुंच जाता है और यहां से इसके साथ जो एंगल बना रहा है वो मैं मान लेता हूं थीटा एंगल बना रहा है ठीक है, और जो यहां से जो ये चाप होगा, जो कर्व होगा वो मैं मान लेता हूं एस ठीक है, ये बोल रहा है कि ये पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट करता है ठीक है और इस प्रकार चलता रहता है, मैं कुछ समय में मान लेता हूं इस बिंदु पी पर पहुंच जाता है ठीक है, इस बिंदु पी पर पहुंच जाता है, तो ये कह रहा है कि आप इसकी चाल जो है वो यू मान लो, अर्थात वी चाल यानी कि वेलोसिटी ठीक है, वो क्या मान लो आप यू मान लो, यानी कि वी बराबर यू, क्लियर कहानी सभी स्टूडेंट को, यहां से चलना प्रारंभ करता है तो स्टार्टिंग में इसकी चाल यू है जो वी के बराबर होगी, क्योंकि वेलोसिटी और चाल की बात चल रही है यहां, चाल का मतलब वी, फिर क्या कर रहा है कि ये यहां से चलना प्रारंभ कर रहा है, चल रहा है, तो हमें सिद्ध करना है कि ये भाई साहब जब इस व्रत पे इस प्रकार चलता रहेगा तो जब ये वापस यहां पहुंचेगा ना तो इसको जो टाइम लगेगा टी बराबर वो लगेगा ए म्यू यू
वन माइनस ई की पावर माइनस टू पाई म्यू, ये समय इसको लगेगा, ऐसा ये कह रहा है, आपको सिद्ध करना है। मतलब इसको यहां से चलाओ आप, एक बार घुमा के यहां लेके आओ, ठीक है, तो कितना टाइम लेगा, ये लेगा, ये टाइम हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से s बराबर कितना होगा दोस्तों, s बराबर होगा a थीटा, क्योंकि हम जानते हैं चाप बराबर क्या होता है, त्रिज्या गुणा कोण होता है, ये सभी अपन पढ़ते हैं, यानी कि कर्व बराबर क्या होता है, रेडियस इंटू एंगल होता है। तो कर्व s बराबर रेडियस कितना है, a है, एंगल कितना है, थीटा है, तो s बराबर क्या हो गया, a थीटा हो गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को ये कहानी समझ में आई होगी इतनी इतनी। अब चलते हैं आगे, देखना मैं क्या करता हूं, यहां से ये क्या होता है अपने पास, v dv अपॉन ds बराबर म्यू v स्क्वायर अपॉन रो होता है, ठीक है, म्यू है और नॉर्मल एक्सीलरेशन क्या होता है, v स्क्वायर अपॉन रो होता है। यहां से मैं ऊपर नीचे थीटा से गुणा करता हूं, तो v dv अपॉन d थीटा और d थीटा अपॉन ds बराबर म्यू v स्क्वायर अपॉन रो। क्लियर, यहां से मैं निकालता हूं ds अपॉन d थीटा का मान, ठीक है, तो यहीं लिख लो, सिंस s बराबर क्या है, a थीटा है, तो यहां से d थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ds अपॉन d थीटा बराबर क्या मिलेगा, a मिलेगा, उल्टा कर दो तो d थीटा अपॉन ds बराबर क्या मिलेगा, 1 अपॉन a मिलेगा। तो d थीटा अपॉन ds की जगह आप 1 अपॉन a कर दो, तो v अपॉन a, ये 1 अपॉन a यहां, तो dv अपॉन d थीटा बराबर म्यू v स्क्वायर अपॉन रो। क्लियर कहानी सभी स्टूडेंट को समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं यहां से, तो देखना अब एक चीज और, देखना एक चीज सभी ने पढ़ी होगी कि सर्किल के अंदर जो कर्वेचर रेडियस होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, तो कर्वेचर रेडियस इन सर्किल वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और वो किसके बराबर होती है, जो सर्किल की रेडियस होती है उसी के बराबर होती है, यानी कि रो बराबर किसके होगी, एक के होगी। क्लियर सभी स्टूडेंट को ये चीज ध्यान रखना, वृत्त के अंदर वक्रता त्रिज्या हमेशा कांस्टेंट होती है, जो किसके बराबर होती है, जो उस सर्किल की रेडियस होती है उसी के बराबर होती है, अर्थात यहां रो बराबर भी क्या होगा, ए होगा, ठीक है, तो रो बराबर भी ए आप यहां लिख सकते हो। तो वी dv अपॉन d थीटा बराबर म्यू v स्क्वायर अपॉन a आ गया, और ये v अपॉन a। क्लियर कहानी सभी स्टूडेंट को यहां तक समझ में आई होगी, यहां से v उठ जाएगा और साथ ही आपका जो a है वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से देखना, ये a से a कैंसिल, ये v से v कैंसिल, तो देखना ये मिलेगा आपको dv अपॉन d थीटा बराबर म्यू v। क्लियर सभी स्टूडेंट को ये मिल गया। अब इधर से यहां से मैं मिटा देता हूं, ठीक है, ये वही चीज लिखिए जो हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो यहां से देखना आगे चलते हैं अपन, अब इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है, सिंस मेरे पास आया dv अपॉन d थीटा बराबर म्यू v, ठीक है, v को इधर ले आओ, तो dv अपॉन v बराबर म्यू डी थीटा, इंटीग्रेशन कर दो तो log v बराबर म्यू थीटा प्लस log c1 नाम दे दूं, ठीक है, जो कांस्टेंट आ रहा है उसको log c1 लिख देते हैं अपन, ठीक है, तो देखना या c1 ही पढ़ा रहने दो, ठीक है, यहां से देखो, अब स्टार्टिंग की बात करता हूं मैं वापस, ठीक है, मैं वापस स्टार्टिंग की बात करता हूं, तो स्टार्टिंग में प्रारंभ में थीटा बराबर तो जीरो रहेगा और v बराबर क्या लिया था, u था, ठीक है, प्रारंभ में ये u चाल से चलता है, ठीक है, तो प्रारंभ में चाल कितनी थी, v बराबर u था, तो यहां से ये सारी वैल्यूज यहां रखते हो, तो ये जीरो, ये u का मान यहां रख दो तो log u बराबर c1। क्लियर कहानी सभी स्टूडेंट को, आगे चलते हैं, अब देखो ये c1 का मान यहां रखो तो log v बराबर म्यू थीटा प्लस log u, log u को इधर ले आओ तो log v माइनस
लॉग यू बराबर म्यू थीटा, तो ये हो जाएगा लॉग वी अपॉन यू बराबर म्यू थीटा। तो यहाँ से लॉग को उधर ले जाओ तो वी अपॉन यू बराबर e की पावर म्यू थीटा। मार्कर चेंज कर लेते हैं एक बार। तो देखना ये v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर u e की पावर म्यू थीटा। ये आ गया अपने पास v का मान, v बराबर u e की पावर म्यू थीटा। अब वापस इसको मैं क्या कर देता हूं, v को ds अपॉन dt लिख देता हूं। तो देखना सिंस v बराबर क्या होता है, ds अपॉन dt होता है, ठीक है, तो v की जगह ये मान रख देता हूं, तो ds अपॉन dt बराबर u e की पावर म्यू थीटा। वापस ऊपर नीचे थीटा से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ क्योंकि ये थीटा में है अपनी इक्वेशन, तो डी एस अपॉन डी थीटा और डी थीटा अपॉन डी टी। डी एस अपॉन डी थीटा का मान जस्ट अपन ने निकाला था, यहाँ से देखो डी एस डिफ्रेंशिएट कर दो तो डी एस अपॉन डी थीटा बराबर क्या होगा, ए होगा। तो डी एस अपॉन डी थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, यू लिख सकते हो, सॉरी ए लिख सकते हो, तो ए डी थीटा अपॉन डी टी बराबर यू ए की पावर म्यू थीटा। अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या करते हैं, अब करने के लिए क्या करेंगे अपन, थीटा की टर्म्स एक तरफ ले लेंगे और टी की टर्म्स अपन एक तरफ ले लेंगे। तो देखो पूरा इधर ले आओ डीटी उधर ले जाओ, तो ए अपॉन यू ई की पावर म्यू थीटा और डी थीटा बराबर डीटी। क्लियर सभी स्टूडेंट को, तो अपने पास डी टी बराबर आया ए अपॉन यू ई की पावर माइनस म्यू थीटा डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, लेकिन इंटीग्रेशन की लिमिट क्या रहेगी वो देखो, ये देखो ये अपने पास सर्किल था ए रेडियस का, यहां से पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है चलते चलते घूमकर वापस यही, मतलब कितना राउंड पूरा किया इसने, टू पाई। थीटा बराबर कितना राउंड पूरा किया इसने, टू पाई किया, तो थीटा की लिमिट तो क्या हो जाएगी यहां पर, तो थीटा का मान यहां से ये चलना प्रारंभ किया पार्टिकल, मतलब प्रारंभ में तो थीटा का मान क्या था, जीरो था, घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए यहां पहुंचा, कितना राउंड पूरा किया, एक राउंड पूरा किया, एक राउंड पूरा किया, मतलब थीटा बराबर कितना राउंड पूरा किया, टू पाई, यानी कि प्रारंभ में थीटा का मान जीरो से लेकर कहां तक जाएगा, टू पाई तक, मतलब थीटा की लिमिट तो हो गई आपके पास जीरो टू टू पाई, और इसकी तो लिमिट जीरो से टी रहेगी, ठीक है। अब कर दो इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करोगे तो ये तो t बराबर ये a अपॉन u तो कांस्टेंट है, इसका देखो e की पावर माइनस म्यू थीटा ऐसा कैसा अपॉन में माइनस का म्यू आ जाएगा, और लिमिट क्या आ जाएगी आपके पास जीरो से टू पाई आ जाएगी। क्लियर सभी स्टूडेंट को, अब लगाओ इसके ऊपर लिमिट, ठीक है, अब इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं, सॉरी ये माइनस नहीं आएगा, अब इस पे लिमिट लगाते हैं, तो देखना ये माइनस आएगा, माइनस यहाँ ले लो इसका, ठीक है, तो लिमिट लगाते हैं इस पे टी बराबर माइनस ए अपॉन म्यू यू, तो ऐसा कैसा ब्रेकेट बंद ई की पावर माइनस टू पाई म्यू की थीटा की जगह टू पाई म्यू, फिर माइनस ये क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, जैसे ही जीरो रखोगे तो ए की पावर जीरो का मतलब क्या हो गया, वन हो गया, माइनस को अंदर भेज दो तो टी बराबर ए अपॉन म्यू यू, माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का ये प्लस का, ठीक है, तो वन माइनस ई की पावर टू माइनस म्यू ई की पावर माइनस टू म्यू, ठीक है, यही क्या करना था आपको सिद्ध करना था, एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल a अपॉन म्यू यू वन माइनस ई की पावर टू पाई म्यू, ठीक है, यही समय लेगा ये पार्टिकल वापस उस पॉइंट पर लौटकर आने में, ठीक है, और यही आपको सिद्ध करना था। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है। इसके साथ ही अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, ठीक है, जो अपना पहला चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब अपना इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आता है वो आता है रेक्टिलिनियर मोशन, यानी कि सरल रेखीय गति, सरल रेखा में गति, ठीक है, अपन एक सरल रेखा में जो मोशन है उसकी बात करेंगे, जिसमें अपन जो सरल आवर्त गति है SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक में, यानी कि जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। और जो जैसे मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है, शेखावाटी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उनको
मतलब श्योरिटी नहीं है, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी वालों को यहाँ तक क्या एक क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है, यहाँ तक अगर वो कर लेते हैं तो उनका एक यूनिट कवर हो जाती है, इसके बाद उनका अथवा का पार्ट चलता है, ठीक है। तो मतलब लेकिन आप अपने को पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।